मैं जा रही हूँ अभी गल्फ। कितने का ये जो? ये 250 वाले हैं। ये कितने का है दुपट्टा वो जो ऊपर लगा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, आप सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी आप लोगों ने मेरी शॉपिंग की वीडियोस को बहुत एडमायर किया है, बहुत अप्रिशिएट किया है, और मैं जब कमेंट्स पढ़ रही थी तो कुछ लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि कुछ बजट फ्रेंडली भी कपड़े होने चाहिए। तो आज मेरी शूट जल्दी ख़त्म हो गई, सो आई थॉट कि अच्छा मौका है, अभी रमज़ान भी नहीं शुरू हुआ तो ये काम निपटा दूं, क्योंकि मुझे अपने बुलबुले के अनस्टिच्ड कपड़े लेने हैं, फौजिया और कुलसूम के कपड़े लेने हैं, राहिब का जोड़ा लेना है, दर्जन है कुलसूम के पास, उनसे सिलवा लेंगे सादे सादे से जोड़े। तो जी मैं जा रही हूँ अभी गल्फ़, और मुझे लगता है गल्फ़ में मुझे अच्छी डील मिल जाएगी और वो मेरे रास्ते में भी है, तो लेट्स गो। पहले मैंने सोचा था कुर्तुबा जाऊँ, तो अगर मुझे यहाँ पे प्राइसेस अच्छी ना मिली तो मुझे कुर्तुबा की प्राइसेस का तो पता ही है, तो देन विल मूव ऑन टू कुर्तुबा, फिर वहाँ चले। जी ऑल सेट, पहुँच गई हूँ यहाँ पे, मैं बस अपना बैग लूँ और चलूँ। होपफुली कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। शॉपिंग करनी है ईद के लिए, तो मेरा पर्पज़ तो यही है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए, मुझे भी अपने लिए, बच्चों के लिए और आप लोगों को भी। तो लेट्स गो। कुछ खुस्से वुस्से भी मिल गए, चप्पलें इस तरह की, तो वो भी ले लूँगी, और मुझे झुमके लेने हैं अपने जो के बुलबुले में मुझे पहनने होते हैं, तो वो भी देख लूँगी कोई अच्छी वैरायटी अगर मिल गई। एंड अभी तक तो माइंड में यही है, यही कुछ लेना है। ये जी मैं इधर आई हूँ, गल्फ के बाहर ही एक दुकान है, लेकिन प्राइसेस मुझे ज़्यादा लग रही हैं या हैं ज़्यादा, मतलब ये कि ये स्लाइटली यूज चीज़ें हैं। इस्त्री बताओ कोई अच्छी, ये वाली कितने की है? ये नीली वाली, नीली वाली चाह रहा था जिफाल का। झुमके हैं आपके पास? झुमके नहीं है, बाकी ये सब कानों की इसी तरह की बुंदे हैं। कितने के हैं ये जो टॉप्स दिखाए थे छोटे? ये 200। और ये गले का कितने का है ये वाला? ये मोती वाला जो माला है 450 की। ये मुख्तलिफ है, ये 4-4। कितने पैसे हो गए मेरे? इनके पास कपड़े अच्छे होते हैं मगर बहुत महंगे होते हैं। प्लेन है ये, ब्लाउज है, साड़ी है? कितने का है ब्लाउज? सिर्फ ब्लाउज फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल ले लो आपके लिए मेरे बहन, एकदम हो जाएगा 7,500 रुपए का। और इसका दुपट्टा दिखाएं, सर दुपट्टा सिंपल, इसमें साइज भी है, मिल जाएगा इसमें देखो, ये सारे डिजाइन लगे हुए हैं, ये सब मुख्तलिफ डिजाइन, ये सब मुख्तलिफ कपड़ों के कमीज स्टाइल में भी है, ये सारे शॉर्ट कपड़ों में। हां हां, अच्छा इसका दुपट्टा दिखाएं मुझे, ये पेशवास 75 इन्होंने लास्ट के ये इसका दुपट्टा, दुपट्टे पे तो कोई काम ही नहीं है, बस दुपट्टा सिंपल होता है, सिर्फ माथा पट्टी बना होता है इस पे, जो कम हेवी होता है इससे दुपट्टा लाइट लगता है। उसका दुपट्टा भी ऐसे ही सादा सा है, फिर लुकिंग फॉर अ लाइट थिंग फॉर योर एंगेजमेंट एंड ऑल, और अगर आपके पास कोई है जिसके पास आप फिटिंग वगैरह कोई अच्छी सी करा सकें, तो फिर आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। गल्फ में एंटर होते ही कोने पे दुकान है। के हैं झुमके? ये वाली छोटी झुमकियाँ कितने की है? ये हरी और पिंक जो रखी है 250। कितनी हो जाएंगी फाइनल? मुझे 4-5 जोड़ी चाहिए।
चार पाँच 250 की दे दें, 200 लगा दूंगा अगर चार पाँच आए, वरना एक दो के 250 आए। और क्या वैरायटी है झुमकों में? ये तो बड़े बड़े हैं सारे, बड़े ये देखे ना बाली झुमका है, ये इसका वजन ज़्यादा होगा, हल्के वजन में चाहिए मुझे, वजन लेकिन लाइट वेट है, इंडियन है, सबसे अच्छा झुमका होता है। ये भी उसी प्राइस में 650 का है। ये 450 का है। छोटे छोटे स्टार्ट से नहीं ये 250 वाले हैं, लेकिन ना बहुत लाइट वेट है, सब कुछ है, खूबसूरत बने हैं बहुत। आपने तो अभी 250 बोला, ये वाला वो जो आपने रख दिया, नहीं नहीं अभी इसको बस टोटल करें और ना दिखाएं। ये है दाम, पहले मुझे बताएं कितने होंगे फाइनल? 650 वाले का ना 5 कर लूँगा बस, ये 5 और इसके कितने कर देंगे? ये 2 लगा देंगे इसके, फिर इसके भी 2 लगा कहे थे आपने। हाँ ये बहुत प्यारा कलर मैंने उसका, चले एक ये दे दें, फिर गोल्डन में मुझे कोई और एक दिखा। लाइट है ये? हाँ लाइट है, नहीं ये वाला इसमें गोल्ड है, इसमें एंड पे क्या गोल्डन नहीं है। हाँ दिखा रहा हूँ सिल्वर, ये बिल्कुल देखिए जो आप कह रही है ना, बल लाइट वेट भाभी किसी दौर में सिर्फ ये झुमका लग गया ईमान के लिए। ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने हो गए? 2100। शिफोन वाला, ये शिफोन है, सिल्क में नहीं है ये? वाइट दुपट्टा कितने का? ये 16 का पड़ेगा आपको, 1600। ये नेट पे? ऑर्गेन्जा, ऑर्गेन्जा डिफरेंट आए हैं, कितने का है ये वाला माला? ये वाली 1300 अक्सर लोग क्या करते हैं, पूरा खोल देते हैं उसको घूम जाते हैं। अच्छा जितना मैंने खोला ना नहीं खोले। दूसरी जगह से मैंने 2 झुमके और 1 टॉप्स लिए, एंड यहाँ पे मेरा बिल था 1000 रुपीज़, एंड आई थिंक नाउ वी शुड मूव ऑन टू द क्लोथ्स। आई टाइम ये कितने का है दुपट्टा वो जो ऊपर लगा हुआ है? सिल्क में है शिफोन में? खोल के दिखाएं। अच्छा ये मोटी वाली सिल्क है, शीशे का काम हुआ हुआ है। ये प्लेन के साथ है? और कितने का सूट है? 1800 का 2 पीस। कितने का है? 1200 में 2 पीस। अच्छा और अगर अनसिला लें ये कपड़ा तो कितने का है? 1500 का अनसिला और 1200 का सिला। ये अनसिला और सिला ये 1000 रुपये का पड़ेगा, वो 1200 का पड़ेगा। अच्छा ये 1000 का है, क्या कपड़ा है ये? मलाई लॉन है। दिखाओ कपड़ा, सी थ्रू तो नहीं है? वही कपड़ा। अच्छा वही 1200 में सिले हुए सारे डिजाइन्स और प्रिंट्स हैं। आपकी दुकान का नंबर क्या है? 179 क्लिफ है या गल्फ है? गल्फ। अच्छा इसका बता दे अगर लास्ट करते हैं तो मैं फिर ले लूँगी चार्ज। साढ़े 3 से ज़्यादा देना, ऐसा ना हो पूरे बाजू रखने हैं कपड़ा कम पड़ जाए। आपका परवीन का नाम बना वापस ना हो पाजी।
कुत्ती वाला वो दिखाओ, दिखा हाँ ये कर दो, गरम तो नहीं है कपड़ा ना, ये पीला दिखाओ ये वाला, ये सिर्फ शर्ट है, नहीं शर्ट नहीं है। मैं तीन सूट मैंने लिए हैं, कॉटन लॉन जो भी कहने तो घर जाके पता चलेगा, बट ये है कि अच्छे ब्राइट कलर्स उसके स्क्रीन के हिसाब से। गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी का सेक्शन है। दूसरी तरफ जा रही हूँ एटीएम चेक करने, यहाँ पे भी नहीं है स्लिप में। दिस इज सो, कैसे हो सकता है इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं और इनमें एटीएम नहीं है। ये देखिए कितने मज़े के छोटे छोटे गरारे हैं, अगर इन पर प्लेन कमीज बनाई जाए बच्चों के लिए कितनी प्यारी है, यही होता अगर दुपट्टे पे लग जाए। 1500 रुपये का बैंक, इसमें सिल्वर भी मिल जाएगा, गोल्ड भी। 1500 का आप पसंद कर ले जो चाहिए मुनासिब। कांच के किस रेंज में है सेट? बस ये वाली जो येलो वाले सेट है उसके साथ मरून वाला, ये कितने का है? 800 और ये 1200 रुपये का। इसका फाइनल क्या हो जाएगा? आपको पसंद कौन सा वाला आ रहा है? हाँ मुझे बताइए ना एक आइडिया, मुझे क्या आपकी पसंद क्या है, मतलब जैसे ये है इसमें अगर मैं कलर चेंज कराऊँ। 1000 रुपये का पड़ेगा। 100 रुपये कम करेंगे बस। मैंने असल में बोल रहे हैं आपको, हाँ बोल रहे तो हूँ मैं आपको, 600 का हो जाएगा। अच्छा भैया चले ठीक, रेडी रहने दें, 2.25 महीने। ठीक है, इसकी भी चूड़ियाँ मुझे दे दें 2-3 एक्स्ट्रा। 4 लाल ले लो, 6 दे दे लाल। ये जो गुलाबी वाला सेट है ये कितने का है? 1800 रुपये। क्यों? इंडिया नहीं है। हाँ ग्रीन एक में शॉकिंग पिंक बना दें। आई एम लुकिंग फॉर एन ATM एंड इट्स सो स्ट्रेंज कि पूरे मॉल में 3-4 मॉल्स हैं उसमें एक ATM है एंड दैट टू बिल्कुल कोने में कहीं जा के आके। मैं तो काफ़ी वॉक करके वापस आ गई हूँ, तो अब आई एम गोइंग बैक। 4 सेट मैंने लिए हैं, एक फौजिया का, एक कुलसूम का, एक नबिया का, एक ईमान का। अभी तक लोग जूते पॉलिश कराते हैं? कितने पैसे लेते हो जूते पॉलिश करने के? एक तो 5-6 मॉल्स के लिए एक ही ATM और वो भी इतना बुरा चल रहा है, इतना बुरा चल रहा है कि बेचारे लोग बाहर वेट कर रहे थे और मुझे कोई 20 मिनट लग गए। पहले तो मैं लूँ पानी बिकॉज आई एम सो थर्स्टी। इससे सस्ता नहीं है कोई? जब तुम लेगा हम सस्ता करेगा। अभी कितना सस्ता करेगा? जब तुम लेगा। अभी नहीं। ये 2200 का है। ये वाला जो है ये गुलाबी फूलों वाला कितने का है? 5000 का पड़ेगा। इसमें ये भी डिजाइन है। अच्छा, आपके पास सिर्फ दुपट्टे और ट्राउजर ही होते हैं? दुपट्टे, ट्राउजर, गरारे, शरारे। और ये जो है ऑरेंज वाला और ये ग्रीन, ये कितने का दुपट्टा? 1300। ये भी सारे दुपट्टे? बहुत वैरायटी है जी दुपट्टों में, प्रिंटेड है, ये देखिए सब लगे हुए, बहुत प्रिंटेड है, अलग-अलग है। अच्छा, और ये कपड़ा क्या है? ऑर्गेंजा? और एक एक्सेल होगा जो लंबाई इसकी इतनी होगी, खुला यहाँ से ज्यादा होगा, कोई मांगते ना चौड़े। अच्छा, लूज ऊपर से हेल्दी होते ना, तो उठने बैठने नमाज पढ़ने। तो ये सारे कढ़ाई वाले हैं। प्लेन कितने का है? प्लेन भाजी ट्राउजर 700 रुपए का है, 600 का है, जैसे ही आजकल ये चल रहे बड़े 500 के बेल बॉटम, खुले ऊपर से नीचे तक पूरे खुले खुले, ये भी बहुत चल रहे हैं। प्लेन इसमें 1200 का, कढ़ाई वाला 1500 रुपए का। और ये गरारा कितने का? ये 1800 के हैं, इसमें ये 2000 का है और ऐसा हैवी है, ये 3000 का पड़ेगा। चिकन के दुपट्टे भी हैं कटवर्क वाले, 1000 रुपए के, बहुत सारे डिजाइन इसके अंदर। और कितना अर्ज है इसका और कितना लंबाई? तवा का दर्द होता है, 2.5 गज का दुपट्टा होता है, 2.5 गज का। जी जी। अच्छा, चारों कोनों पे नहीं है इसके? नहीं, 4 साइड नहीं है, 2 साइड है। 1500 के इसमें व्हाइट ऑन व्हाइट भी मिल जाएगा आपको।
अगर कोई ये गरारा और ये दुपट्टा मैच करे तो कितने का पड़ेगा? 2 पीस 3,000 का पड़ेगा, और अगर हैवी लेंगे तो मतलब अलग अलग है ना कुछ ऐसे, मतलब मैचिंग तो ये है कि इसके साथ प्लेन अगर शर्ट होती है। चप्पल 600 की है जी ना, सब चप्पल कोई नरम सी कंफर्टेबल सी दिखाओ। मैम ये वाली आर्टिकल बहुत अच्छी है, ये कंफर्टेबल है मैम पहनने में, ये आर्टिकल मेरे पास नया आया है भाजी। 600 है तो कितने की हो जाएगी? फिक्स प्राइस है मैम, 600 फिक्स प्राइस है हमारा। खुसा भी जी 700 की मार्केट में चल रही है। अगर खुसा कंफर्टेबल हुआ तो मैं मानूंगी। ये कलर दिखाइएगा मुझे, साइज तो ठीक है, कंफर्टेबल भी रहते हैं, नॉन स्लिपरी है। देखें पीछे से देखें, नॉन स्लिपरी जाएगा, रेड पे मरून पे मिल जाएगा आपको, मल्टी मिल जाएगा, मल्टी में ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। नहीं ये तो बहुत कॉमन है, खाइएगा। और ये येलो में मैम मुश्किल होगा, मुश्किल है, ब्लैक में मिल जाएगा। ब्लैक वो चीज़ नहीं है, हार्ड लग रहा है। नहीं नहीं बाजी ये उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल चप्पल है, वेयर करके देखें आप, कितने जो स्टाइलिश भी हो। ये वाला कलर जो लाइट वाला, ये वाला चीज़। और इसके अलावा एक चप्पल मुझे दिखा दें कोई अच्छा। चेक कर लो, ये देखिए ये आर्टिकल चेक कर रहा, ये आर्टिकल चेक कर रहा हूँ। ये बहुत कम्फर्टेबल है, इसमें एक साइज और छोटा दिखा देना। आपकी दुकान का नंबर क्या है? 174। ये गल्फ में है? गल्फ मार्केट जी। आनी आमिर के दुपट्टों के साथ दिखाओ मुझे इनके, और देने वाली बात करना। देने वाली बात हाँ, इसके अलावा शिफोन के अलावा नहीं है वैरायटी कोई? हमारे पास प्लेन फैब्रिक होता है सारा, रॉ सिल्क, कॉटन सिल्क, बनारसी वगैरह हो गया, मैचिंग है हमारा सारा। कितने का है रॉ सिल्क प्लेन? रॉ सिल्क 200 रुपए गज है, कॉटन सिल्क 250 रुपए गज है। तो ये 5 गज में बनता है सूट? 5 गज 1,250 रुपए का है। रॉ सिल्क मोटे वाला है या पतले वाला है? पतले वाला भी मिल जाएगा, मोटे वाला भी। पतले वाला दिखाओ। ये फौजिया और उसके कपड़ों के लिए मैं आई हूँ, चूड़ियाँ तो मैंने पहले ले ली हैं, अब उनके सूट ले रही हूँ। हर कलर डाई होता है। अच्छा नहीं तो बहुत ही पतला, ये तो दुपट्टों के लिए, शर्ट्स के लिए यूज होता है। सी थ्रू है ये तो, लाइनिंग लगती है इसके नीचे। तो शलवार के नीचे लाइनिंग कहाँ से? शलवार इसकी नहीं बनती ना, शलवार इसके शर्ट। हाँ ये तो मुझे याद है, मैंने इसके कुर्ते लिए थे। ये कितने का है? ये 200 रुपए का पड़ेगा, 1,000 रुपए का सूट है। ये हानिया आमिर के दुपट्टों पे और शर्ट दोनों चलते हैं इसके बाद। एक ही कपड़े के दुपट्टे और शर्ट है, ये बड़ा चल रहा है आजकल बाजी। इसके साथ प्लेन सूट होता है इसके साथ बाजी, वो मर्जी होती है कस्टमर की, कॉटन सिल्क ले लें, रॉ सिल्क ले लें। अच्छा जी, इसकी शर्ट्स भी बनती है। अच्छा दो सूट चाहिए मुझे, फाइनल बताओ कितने का होगा? हाँ लेकिन पहले दाम बताओ कितना। आपको शर्ट दुपट्टा सेम ही चाहिए या प्लेन के साथ चाहिए? अगर शर्ट दुपट्टा आपको सेम चाहिए सर, मैं आपको ट्राउजर दूंगा इंडियन नौ से, वो 4,500 रुपए का। अगर आप प्लेन के साथ दुपट्टा रखोगे बाजी तो वो 3,500 रुपए। शर्ट बना के प्लेन दुपट्टा बन रहा है इसके साथ? नहीं मुझे तो वो चाहिए जिसमें बूटे, दुपट्टे में बूटी होती है। बूटी होती है हाँ, इसके साथ जो कस्टमर को देते हैं वो प्लेन दुपट्टा देते हैं, फिर वो पीको कराते हैं या पल्स वाली पीको कराते हैं, वो मर्जी होती है। और ये दोनों साइड पे शर्ट पे देते हैं, आगे पीछे? आगे पीछे दोनों सेम देते हैं। तो मुझे बताओ फिर कितने का दे दोगे अगर शर्ट दुपट्टा सेम भी लेते हैं? शर्ट दुपट्टा सेम होगा और इंडियन नौ सिल्क का ट्राउजर होगा हाँ। आपको 4,300 रुपए लगा। 5 गज आपका ये कपड़ा होगा सेम, हालांकि हाँ। आप गज के हिसाब से लोगे तो 1,000 रुपए गज ही है हाँ। उस हिसाब से आप खुद लगा ले, 5 गज 5,000 रुपए का आता है, लेकिन मैं एक कम्प्लीट पैकेज बना के। प्लेन दुपट्टा दिखाओ, कौन सा प्लेन? इसी तरह इसी का शिफॉन होगा, प्लेन होगा भाई हाँ। दिखाओ कलर सारे मैच हो जाएंगे, कलर सारे हैं जो आप बोलेंगे। इसका प्लेन दुपट्टा है, किसी पे कस्टमर की कॉल करा देते हैं पल्स वाली, तो होगा 500-600 रुपए तो ट्राउजर इसी इंडियन नौ सिल्क का भाई। और मुझे क्रेप की शमीज भी चाहिए फिर। शमीज भी है फिर नहीं, दुपट्टा तो मैंने लेना है मगर इसी का दुपट्टा हैवी नहीं हो जाएगा? दिखाओ कस्टमर के लिए इसके बाद हाँ। नहीं ये दुपट्टा बहुत हैवी हो जाएगा, उसमें ये भी है अगर। चलो फिर प्लेन दुपट्टे के साथ मुझे जी दे दो ये दो सूट, कलर मैं बता रही हूँ इसमें। थ्री पीस बनारसी में दिखाओ, और गेंजा के भी ये काम वाले बाजी हाँ दिखाओ, मर्जी होती है। मैं चूज कर रही हूँ ना जरा, ये और गेंजा पर है बाजी। अच्छा ये शर्ट है दुपट्टा, ये शर्ट बन गया इसके ज्यादा बाजी, दुपट्टे भी बना सकते हो मर्जी है, ये आड़ी लाइन वाला है। और इसके नीचे लाइनिंग ट्राउजर सेम लगता है बाजी, इसमें अगेन वही आप दुपट्टा भी सेम लगा सकते हो, वो मर्जी आपकी। अच्छा नहीं नहीं ये नहीं, फिर बनारसी में दिखाओ। बनारसी भी है और इसमें ये जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था ना दुपट्टे वाला हाँ। ये भी ज़्यादा चल रहा है इसके तरह, फिर ये होता है बाजी ये दुपट्टा हो जाता है, इसके तरह प्लेन सूट बनता है। ये नहीं ये कितने का पड़ेगा? अब ये कंप्लीट सूट आपको पड़ेगा 3,000 रुपये का, पूरे सूट किसके साथ? हाय देख के ही गर्मी लग रही है।
वो सारे दुपट्टे में के डिज़ाइन है? ये सारे डिज़ाइन है, कलर हैं। अच्छा, वो जो पीछे लगे हैं उसके साथ कोई भी लेना है? डिज़ाइन तो सारे लगे हुए, जो आपकी मर्जी है जो उसके साथ लेना चाहिए। अच्छा, फिर एक काम करो कि वो जो सामने लगा हुआ ना दुपट्टा ब्लू वाला, वो निकालो ज़रा। हाँ, यार शकील का डार्क बेस के साथ है जो मैंने पहले दिखाया, वो लाइट बेस। नहीं नहीं, वो तो नहीं है, ये डिज़ाइन सेम ही है, ये ब्लू के साथ है, वो येलो के साथ है। हाँ, वो येलो वाला दिखा, येलो वाला दिखा। हाँ, इसके साथ आप प्लेन सूट मैच करो। प्लेन आपकी मर्जी है, जो कलर आप लगाना चाहो वो। मस्टर्ड ही लगाओ ज़रा, मस्टर्ड ही लगा दो। इसके नीचे शमीज़ तो नहीं चाहिए? नहीं 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 भाजी, कॉटन सिंपल। शामूस में फिर ऐसी बॉर्डर जैसी चमक होनी चाहिए ना, इसमें चमक नहीं है। कॉटन सिल्क में भी चमक होती है भाजी। ये कॉटन सिल्क है? कॉटन सिल्क है, ये देखिए शाइनिंग वाला है। तो तुमने तो शामूस का है, शामूस का सूट भी मिल जाएगा, यो मर्जी होती है। शामूस दिखाओ जरा, ये वैसे कपड़ा तो अच्छा है गर्मियों में। कॉटन सिल्क के शामूस आपने कहा थोड़ा मोटा है, वैसे मैंने ये दिखाया भाजी। हाँ, लेकिन शामूस के साथ भी लगा के दिखाओ। उसके साथ भी है वो, या इसमें कॉटन सिल्क में मुझे दूसरा कलर दिखा दो। दूसरा इसके साथ, ये जो ज्यादा चल रहा है इसके साथ जो मेन कलर है मैजेंटा दिखा, ये भी लगा सकते हो आप। वो येलो ही दे दो, येलो ही कर दो। इसके साथ अगर दिखाना है तो फिर दुपट्टा कोई और दिखा दो। मैं इसके साथ फिर ब्लैक रख लेंगे, ऊपर वाला ही बड़ा प्यारा डिजाइन है भाई। हां लगाओ, ये पीस ले लीजिए इसको। इसको डिजाइन देखिए आप। हां, इसके साथ मिलाओ। इसके साथ ब्लैक सूट रख लें पूरा भाजी, ब्लैक भी रख सकती हैं अगेन वो इसी। खाली सूट कितने का है कॉटन सिल्क वाला? 1250। ये कितने का पड़ेगा सूट दुपट्टा? ये वैसे अगर आप 2000 दुपट्टा, 3250 रुपए। 1500 बोला था तुमने दुपट्टा? इस दुपट्टे के साथ वो अलग है, वो अलग चीज़ है। कंप्लीट सूट 3250 लेकर मैंने आपको कितना बोला, 3000 रुपये भाई। अब पैकेज बनता है ना तो उसमें कमी हो जाता है पैसे भाई। दो एक ये दे दो, चीज़ बड़ी प्यारी चीज़ है। और एक इसमें मुझे ये वाला कलर दे दो सब पे। सत्य की काम है, आनिया आमिर के नाम से मशहूर है भाई। आनिया आमिर कौन है? आनिया आमिर जो पाकिस्तानी एक्टर है, मशहूर एक्टर है भाजी। अच्छा, टीवी पे आती है? जी जी, ड्रामाज वगैरह में आती है। तुमने देखी हुई है? देखी है, जाहिर सी बात है, ये डिजाइन है भाई। अच्छा, ये वाला, ये ठीक है। इसमें मुझे कलर निकाल दो, ये वाला जिंक कलर। हाँ, दुपट्टा प्लेन पहले निकालो इसी कलर का। इसका आपको सेम रंग ही दिया था? हाँ, सेम कलर। धन्यवाद। ये जी फौजिया के लिए। ये कपड़ा जो है ना भाई, ये सर्दी में चलता है, ये गर्मी सर्दी में दोनों पे चल जाता है। ये भी रखते हैं अगर किसी ने कोई क्यू लॉट या कुछ बनवाना है। एजाज क्या है तुम्हारी दुकान का नंबर? गल्फ में 176 तो 176 है ना। हाँ, ये सही मैच है। लाइट कितनी दफ़ा जाती है यहाँ? जब से भुट्टो जिंदा है लाइट जा रही आ रही। किसको वोट दोगे? खान साहब, उन्होंने खान साहब। कब से काम कर रहे हो यहाँ? मेरा तो 1 साल हो गया भाई। 1 साल हो गया? ये कौन है तुम्हारे भाई? है। तो 1 साल से पहले क्या कर रहे थे? स्कूल पढ़ते थे भाई। अब क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ते। पढ़ रहे हो, शाबाश। स्कूल जाते हो? तामीर नौ। अच्छा, माशाल्लाह। कुरान भी पढ़ते हो? जी। तर्जुमा ज़रूर पढ़ना। अच्छा, तुम सिल्क के कलर कौन कौन से हैं? सब लगे भाई। ये कॉटन सिल्क है तो रॉ सिल्क के कौन से कलर? ये सारे नीचे लगे। अच्छा, ये नीचे रॉ सिल्क, ये शॉर्ट सिल्क के लगे। अच्छा, शॉर्ट सिल्क कैसे दिए गस? ये बड़े अर्ज वाला भाजी 300 रुपये का, तो छोटे अर्ज वाला भी है भाजी। हाँ, बड़ा अर्ज कितना बड़ा अर्ज है? पौने दो गज भाजी। पौने दो गज में साड़ी बन जाती है? बनेगा। नहीं नहीं, लंबाई कितनी है? लंबाई पौने दो तो दिखाओ खोल के। 2100 रुपए की साड़ी। अच्छा, हाँ, अरस तो ठीक है। हाँ ठीक है। और ये रंग है इसमें? सब कलर लगे। ये शेड है, ये शेड है वाली, ये वाला शेड नहीं, जो दो शेड में है वो भी है? वो नहीं जी, क्यों नहीं हुई ये नहीं। ये लाइनिंग भी आपके अंदर डाल दी है? अच्छा, लाइनिंग क्या क्रेप की है? हाँ, मलाई क्रेप की। अच्छा ठीक, सेम लाइनिंग है, सेम ट्राउजर। चलो बस ठीक। आप केयर करेंगी जैसे आपने केयर करती है, ऐसे इसकी आप केयर करेंगी इवेंट्स वगैरह में जैसे आप यूजुअली नॉर्मली पहनती हैं आप, वैसे पहले आप पहने?
उसके बाद आप केयर करें तो कुछ भी नहीं होगा। ये कितने का है? ये 1800 का मार्केट है। क्या नंबर है आपकी शॉप का? 190। हाँ, कौन कौन से ब्रांड्स की कॉफ़ी और किस रेंज में है ये वाला सूट? कम से कम 3000 रुपये। कम से कम 3000? कम से कम 3000 में क्या कढ़ाई बढ़ाई? जी सब कढ़ाई। ये तुम इतनी सी दुकान में कैसे खड़े हुए? आधा तो हो गया। अच्छा चलो, यहाँ पे तो गली है ना, खुला है। अच्छा तो खाली लॉन के लिए मतलब ये सब कढ़ाई बन। ये दिखा ना इसकी तस्वीर ही बस। ये भी 3 का? ये भी 3 का? नहीं भाई, ये 4 का। हाँ मैं बता। नहीं नहीं तस्वीर। अच्छा ये 4 का। और ये गुलाबी वाला, ये कितने? 3000। ये भी एक ऑप्शन है। क्या नंबर है तुम्हारी दुकान का? अलमक्का 190। वाह, इस भरी मार्केट में देर आर सो मैनी पीपल एंड इट्स सो क्राउडेड। क्या है जो यहाँ नहीं है? एंड इट्स सो बिजी। जैसे ही शाम हुई है रश बढ़ गया। अब मैं जा रही हूँ राहिब का जोड़ा लेने। वो उन्होंने कहा है कि तीसरी मॉल है उसमें है। मेरी असर भी जा रही है। गाड़ी में बैठते ही पहले नमाज़ पढ़ूँगी। ये शुरू हो गया दूसरा मॉल बेसमेंट में। इनके पास भी कपड़े वपड़े बहुत अच्छे होते हैं। मेरे पास वक्त कम है और कुछ बारिश का भी समा बना हुआ है, इसलिए मैं बस राइब का जोड़ा लूँगी और घर जाऊँगी। ये लो। ये भी छोटा है? ये भी बड़ा तो? हाँ बड़ा। ये ले, ये आपको VIP चीज दे दी। ये 400 का? हाँ ये भी सही है। अच्छा चले, मुझे 4 ये चावल वाले दे दें। अच्छा ये आलू मसाले वाले हैं। और आपके पास और असली कितने का है? असली 6,40,000 का। 6,40,000 का है? ना। अच्छा अच्छा, तो 25 का आप दे रहे हैं। और पार्टी वेयर जो है वो किस रेंज में? वो अलग अलग प्राइस में, जैसे वो साड़ी है ग्रे वाली, ग्रे साड़ी कोने में जो ये वाली, ये 14,500 की है। मारिए भी हाँ। इस तरह के भाई ये देखें, ये वाला मास्टर कॉपी जो की हमारी, ये वाला है सफियूस का। अच्छा ये किस रेंज में भाई? 15,000 के, ये 18,000 का है, ये 15,000, ये 15,000, ये मुश का दिखाए हमारे पास सब अच्छे का देते हैं। अच्छा ओके, क्या शॉप नंबर है आपकी? शॉप नंबर 8 और 9। ये कहाँ पे? लेविश मॉल, लेविश। हाँ ये वाला GS पे। ये कितने का सूट है? ये आपको पड़ेगा 2,000। अच्छा, और कलर कौन कौन से हैं इसमें? कलर सब ये देखिए, ये वो कितने का जाएगा फाइनल? फाइनल आपको हो जाएगा 1800 रुपये। 15 नहीं होगा? कितने सूट लेने हैं आपको? फिलहाल तो एक ही लेना है, अगर पसंद आ गया तो फिर और लेके जाऊंगी। ले लो, दे देंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 10 कलर। सही, ऑफ वाइट दिखाइए। इसमें कितने परसेंट कॉटन है? 30% कॉटन है, 30% पॉलिएस्टर होता है। पक्की बात है? गारंटी के। इतने रेट नहीं है वो भी? ये देख लो फिर, ये 2200 रुपये के। ये 3000 का कितने का हो जाएगा फाइनल? ये आपको फाइनल हो जाएगा 2700 रुपये का। ये देखिए, ये 2500 इसका रेट है, आपको हो जाएगा फाइनल 2200। ये गर्मियों में चल जाएगा? है गर्मी के हिसाब से। ये तो सेल्फ टाइप के कुछ लग रहे हैं। हाँ ये सेल्फ वाले हैं, प्लेन। इसमें ये कलर हैं सारे? हाँ ये सब कलर हैं।
ये तो ये कपड़ा नहीं, ये हाँ ये कोई और कपड़ा, लाइट वेट में वो थोड़ा वेट वाला, हाँ नहीं ये और कपड़ा। ये कितने का होगा फाइनल? फाइनल 2200। और इसके कलर्स वो सामने लगे हुए, ये सब कलर। ये ब्लू भी अच्छा लग रहा है, ये चलो ये दे दे। वैसे तो ये भी बहुत अच्छा था, बट ही हैज समथिंग लाइक दिस। जी जनाब, मेरी शॉपिंग तो बहुत अच्छी रही और मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि कम से कम रेंज में कितने कपड़े आ सकते हैं, किस तरह के कपड़े आ सकते हैं। तो मतलब मेरा ख़्याल है जो 37 में मैंने जो जोड़ा लिया है वो रीज़नेबल है, जिसमें शमीज़ ट्राउज़र हर चीज़ शामिल है, और 1000 उसकी सिलाई होगी तो वो 47 पड़ जाएगा। तो ठीक है, मतलब ये कि एक अच्छा पार्टी वेयर, ईद के हिसाब से फेस्टिव, और इस तरह से मिक्स एंड मैच करके आप कपड़ों को अच्छा सा ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। है तो बड़ा टायरिंग काम क्योंकि इतने रश में, गर्मी में जाना, लेकिन शॉपिंग का जुनून इतना होता है कि बंदा थकता नहीं है, ना गर्मी लगती है। तो बस अब मैं घर जा रही हूँ, घर जाके उनको देती हूँ कपड़े और उनके एक्सप्रेशंस देखें कैसे हैं। मुझे तो राहिब का है कि राहिब को पसंद आ जाए। आज हया को पता नहीं क्या सूझी, उसने कहा मैं आप लोगों को ट्रीट दे रही हूँ और पिज़्ज़ा भेज रही हूँ आप लोगों के लिए। तो उसने इतना सारा पिज़्ज़ा भेज दिया, उसने कहा सब खाएँ, ये मेरी ट्रीट है रमज़ान की। और मेरे लिए उसने सरप्राइज़ भेजा मुझे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा की, चीज़ स्टिक्स बहुत पसंद है जो कि डिसकंटिन्यू हो गई थी। बहुत मज़े किए। अच्छा ये भी चीज स्टिक्स हैं। हया जीती रहो, खुश रहो, आई लव इट। और इसके साथ ये जो डिप आती है ना, ये तो बहुत ही मज़े किए। तुम लोगों का खाना भी गर्म हो गया, देखो सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। वेटिंग। और ये जी, और पहले नहीं ट्राई किया, नॉट अ फैन ऑफ चॉकलेट, बट कभी कभी ऐसे ही दिल चाहता है, अच्छी लगती है। तो आज हमारे घर में आ रहे हैं इम्तियाज़ भाई, मेरे बड़े भाई, और असलम भाई, ताहिर भाई भाभी, असलम भाई भाभी, और उनके लिए मैंने ये सारी तैयारी की है। चाय के बर्तन, चाय का पानी, पिज्ज़ाज, ये खजूरें और कुछ मीठे का अहतमाम, और ये पिज्ज़ा सब बेक करके मैं रखूँगी। ये है जी लावा केक, बहुत ही मज़ेदार। चॉकलेट ही पसंद, लेकिन ये बहुत मज़ेदार। गुड चॉइस हया, थैंक यू, लव माई ब्रेड स्टिक्स एंड लव द पिज्ज़ा, विल ऑल हैव इट। लेट्स मूव ऑन टू द शॉपिंग। ये है जी टोटल शॉपिंग, ये खोलो। डू यू लाइक देम और यू डोंट? आई लाइक देम। यू हैव अ वेरी ब्लैंड फेस। Do you like the style? Color देखिए। ये मैंने extra भी लिया, अगर टूट जाए पहनते हुए। नहीं, कोई सा भी ले लो। हाँ ये, ये, ये। अच्छा जी जी, आप लोगों ने वैसे तो सब देख ही लिए, बट चले मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये था, ये दुपट्टा है और ये सूट है, क्योंकि इसका दुपट्टे का बॉर्डर ब्लैक है ना, और ये पूरा बना हुआ दुपट्टा है, इसके कोनों पे ये भी लगा हुआ है, और
इसके अंदर पूरा शीशे का और सितारों का काम है। बाजी कितने में लेगा ये और इसके साथ ये कैसा है ना भाई? और ये वो कहता है ये हानिया आमिर दुपट्टा स्टाइल अच्छा है ना। दिस इज फॉर कुलसुम। दुपट्टा मैंने इसके साथ प्लेन लिया है, उसकी वजह ये है कि जो कपड़ा था ना दुपट्टे का बहुत हैवी हो रहा था, तो इस वजह से फिर अनकंफर्टेबल होता गर्मी में। फॉर राहिल मुझे ये अच्छा डिसेंट सा लगा एंड इट्स एंटी स्लिपरी। और ये मैंने वो लिए थे लॉन टाइप के बुलबुले के सूट। नबिया ये आप लोगों के बनवा दूँ तीसरे दिन के ठंडे ठंडे से शलवार कमीज ये बनवा दूँ? हाँ फिर मैं और ले लूँगी। ये आप लोगों के ट्राउज़र चाहिए शलवार? अल्लाह हाफिज़। शॉर्ट शर्ट और शलवार है ना? हाँ वो ज़्यादा ज़रा कम्फी से। हाँ मैं अभी पीती हूँ, उनके आने से पहले पीती हूँ ग्रीन टी। चलो ईमान डू यू लाइक दिस? ईमान के पेपर्स हो रहे हैं, शी इज़ टू बिजी स्टडिंग। हाँ चलो, हाँ बेगम के साथ खाना। ईमान माना ये देख, या मैं इसकी आप दोनों की शर्ट्स बनवा दूँ? नहीं नहीं, एक शर्ट तो सिलवाना नहीं चाहिए। ये भी प्यारा है ईमान, सही है ना? अच्छा अच्छा ठंडा सा लगेगा। हाओ आई विल, वो तो पापड़ है। वो एक आंटी से मैं कब से पापड़ लेती हूँ जब भी वहाँ जाती हूँ। जी देखो अपने इयररिंग्स चूज करो। आई विल चूज फर्स्ट। ओके यू चूज। ये थी वो माला जो वहाँ नज़र आ रही, तो मुझे ये अच्छी लगी, मैंने अपने लिए भी लिया था ये ग्रे। अच्छा इधर आओ, झुमके पसंद करो। ये क्या रे? और ये भी है ये, मैं ये लूंगी। ये देखो ओए ओए स्टॉपर खा जाएगी वो। अच्छा ले लो, सिल्वर में अगर चाहिए तो सिल्वर में भी हैं। ये तो मैंने बुलबुले के लिए लिए हैं छोटे छोटे सिल्वर। ये भी अच्छा है, ये लेते हैं सिल्वर। सिल्वर जाएंगे आपके कपड़ों के साथ? कैसे लग रहे हैं? साथ भी मैच कर रहे हैं ये। These are for 300 rupees, for 200. ये छोटी झुमकियाँ जो हैं ये भी 200, ये सिल्वर वाली झुमकियाँ भी 200, और ये वाली महंगी थी 500 की, ये भी 200 LV के। ये थी मेरी बजट शॉपिंग, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स जब मैंने पढ़े तो वाकई एहसास हुआ कि देर हैज़ टू बी अ वीडियो जिसमें आप लोगों को एक आइडिया मिले कि ऐसी जगह जो बजट फ्रेंडली हो, जहाँ पे आप मिक्स एंड मैच करके कुछ चीज़ें बना सकें। तो मैंने वहीं पे रैक से प्राइसेस देख के आपको बताया था, एक 600 रुपए का गरारा था जो गल्फ़ के बाहर लगा हुआ था पार्किंग के पास, मतलब नेक्स्ट बिल्डिंग और गल्फ़ के बीच में, तो उस पर वो 600 का गरारा था। अगर आप लॉन की कोई छोटी शर्ट उसके साथ बना लेते और दुपट्टा कोई 600 का ले लेते तो 1200-1500 में वो एक कंप्लीट सेट आपका हो जाता। बाकी ये है कि बारगेनिंग बहुत है। ये मैंने कपड़ा जो लिया है ये सूट, ये 1000 रुपीज़ का 3.5 गज़ का है,
और दूसरी दुकानों पे जब मैं देख रही थी तो लॉन का कपड़ा वो ज़रा डिफरेंट कपड़ा था, लेकिन ये भी अच्छा कपड़ा है, तो ये बेस्ट प्राइस थी वहाँ पे। एक ही कपड़ा, एक ही चीज़ 2200 से लेके लोग ट्राई करते हैं कि वो ले लें, और वो कपड़ा पतला भी था, सी थ्रू था, वो प्योर लॉन थी। और आखिरी जो मुझे ये वाली दुकान की एक दुकान छोड़ के वहाँ पे था जहाँ स्टिच सूट थे, तो वहाँ पे वो मुझे मिल रहा था, लास्ट उसने कहा था कि मैं 1400 का दे दूँगा, वही जो किसी और ने मुझे 2200 का बताया था। तो बार्गेनिंग भी है, आप उनसे ज़रूर पूछें, जैसे जहाँ से मैंने खुद से लिए हैं उसके पास फिक्स प्राइस है 600 रुपये, और चूड़ियों वाले ने भी मुझे डिस्काउंट दिया, क्योंकि वो जो अंकल हैं, जो ओनर हैं, वो मुझे काफ़ी अरसे से, मैं उनसे चूड़ियाँ लेती हूँ हमेशा, बच्चों की ईद की चूड़ियाँ ज़्यादातर वहीं से लेती हूँ, तो उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया, लाइक 900 की थी तो वो 600 की कर दी, 800 की थी 600 की दे दी, तो इस तरह से। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर, एंड आई डू होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। एंड वो आज का दिन मेरा बड़ा टायरिंग था, लेकिन आई होप कि आप लोगों को इससे हेल्प मिले अपनी ईद की शॉपिंग के लिए, और उसको बजट में रख के शॉपिंग करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, एंड अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, तंदुरुस्त रखे, अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मेरी और मेरे घर वालों की तरफ से एडवांस रमज़ान मुबारक, और रमज़ान में हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये रमज़ान जो है हमारी रूहों को प्योरीफाई करने का सबब बने, और हमारी जो खामियां अल्लाह ताला हमसे उनको दूर फरमाए, ऐसा कि कभी हम उस तरफ वापस जा ना सकें, और हमारी जो टूटी फूटी इबादात हैं उनको बढ़ा चढ़ा के कबूल फरमाए। तो जी, रात तक तो पता ही नहीं था कि रोज़ा है भी या नहीं, तो उन्होंने 10 बजे के बाद अनाउंस किया है, और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि ये क्या टाइमिंग है, चाँद तो नज़र आ जाता है मगरिब के बाद ही, तो इतने अहतमाम और इतने इंतज़ार के बाद भी पहले उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है चांद, उसके बाद 10 बजे अनाउंस किया। मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने भाई को, ताहिर भाई को, असलम भाई को, सबको बुलाया हुआ था, तो वो सब फिर आ गए। उन्होंने कहा कि अब इस वक्त इस तरह से और लास्ट मिनट पे कैसे हम तरावी पे जाएं। तो खैर, हम लोग बैठे कोई 1 बजे तक, बहुत मज़ा आया, गपशप हुई, और उसके बाद फिर सहरी के लिए उठे। सहरी की आपको अपनी सहरी भी दिखाऊंगी, बहुत सादी सी होती है, तो सहरी करके नमाज़ पढ़ के सो गए। तो मैंने तो अपनी नींद पूरी की है, जो मेरा 5 दिन का स्पेल था जिसमें नींद पूरी नहीं हो रही थी, तो वो नींद मैंने पूरी की है। जनाब, अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ राहिब कुलसूम और फौजिया के जोड़े उनको देते हुए और उनके एक्सप्रेशंस। राहिब कुलसूम, क्या कर रही? खाना खा रही। बड़े बहने, मैं समझी मान आई है। कैसा गुजर रहा है रोजा? अच्छा। क्या खाना है इफ्तार में? अभी तक तो कुछ नहीं, इनकी वजह से जो मैंने सहरी में खाया था वो भी निकल गया सब। क्या मैंने दूध हल्दी दी थी? तो आपको पता नहीं है मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। इंटॉलरेंट हूँ, बाकी आइसक्रीमें खाते हो, इंटॉलरेंट नहीं हूँ। क्या खाए हम सर? वो आगे फौजी मामा यूनाइटेड से अगर आप लोग समोसे लाएंगे तो उनका वो पिज्जा लेकर आएगा। पिज्जा पड़ा हुआ 3 पीस पहले, वो खत्म खत्म हो गया। कहाँ? कल 1 पीस मैंने खाया, 2 पीस रह गए होंगे, बचेंगे थोड़ी। तो 2 पीस पड़े हुए ना। फौजिया इधर आओ। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। पसंद है? चूड़ियाँ भी हैं, चूड़ियाँ मैं तुम्हें देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह
ये भी बहुत प्यारे हैं, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह आपको सब सिहत दे। पसंद आए? बहुत बहुत अच्छे माशाल्लाह। चलो राहिब आ जाए, फिर उसका देती हूँ उसे। माशाल्लाह अच्छा है ना? हाँ चलो राहिब आ जाए, फिर उसका देती हूँ उसे। माशाल्लाह बेटा हैवी है, सूट प्लेन है, और उसके साथ ये जरा मोटे मोटे बड़े बड़े इयररिंग्स अच्छे लगे। ये लो। Why this? अंग्रेजी? Nice. अच्छा है ना? हाँ अच्छा। ये कलर नहीं है ना तुम्हारे पास? नहीं ये मेरे पास, हाँ ये था भी नहीं मेरे पास, बिल्कुल नहीं।